यस फ्रेंड्स, अब हम इसकी एंट्री लिखेंगे। ब्रांच अकाउंट्स की ये बुक जनरल एंट्रीज हैं। गिव जनरल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। यस, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है हेड ऑफिस की बुक्स में आपको एंट्रीज ठीक करनी है। टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग, ठीक है। सो अब हमें हेड ऑफिस की बुक्स में करनी है तो करेंगे। ये हेड ऑफिस की बुक्स हैं और यहां पर हम आपको वर्किंग समझाएंगे। चलिए, पहला ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। ब्रांच पेड रुपीज 24,000 एज सैलरी टू हेड ऑफिस सुपरवाइजर एंड अमाउंट वॉज डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट बाई द ब्रांच। सो पहली बात तो यह है कि ब्रांच की बुक्स में क्या एंट्री हुई है। ब्रांच ने पेमेंट की है, जो करेक्ट एंट्री करनी चाहिए थी ब्रांच को वो करनी चाहिए थी हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ब्रांच ने रॉन्ग एंट्री कर दी है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ब्रांच अपनी बुक्स में रेक्टिफिकेशन एंट्री करेगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज। ये तो ब्रांच की बुक्स हो गई। हेड ऑफिस अपनी एंट्री क्या करेगा? एक्चुअल में सैलरी तो हेड ऑफिस की है, तो ये लिखेगा सैलरीज अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। दूसरा लिखें, हेड ऑफिस एलोकेट टू ब्रांच रुपीज 22,500 बट दीज एक्सपेंडिचर वर नॉट रिकॉर्डेड बाय द ब्रांच। तो रिकॉर्ड नहीं किया है तो रिकॉर्ड करेंगे। सो ब्रांच की बुक्स में एंट्री क्या होगी? हेड ऑफिस एलोकेट्स, तो ब्रांच की बुक्स में एंट्री होगी हेड ऑफिस एक्सपेंसिव अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट 22,500। और चूंकि हेड ऑफिस ने तो एंट्री ऑलरेडी कर दी है, फिर भी अगर नहीं करी होगी तो हेड ऑफिस ये लिखेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। अमाउंट कितनी है इसमें? है 22,500। और ये है 24,000। लिखोगे विंग एक्सपेंसेस एलोकेटेड टू ब्रांच। तीसरा ट्रांजेक्शन, हेड ऑफिस कलेक्टेड 50,000 डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर। अगर हेड ऑफिस कलेक्ट कर रहा है तो एंट्री लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। तो अगर ब्रांच को अपनी बुक्स में एंट्री करनी होगी तो ब्रांच लिखेगी हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ठीक है। चौथा है, ब्रांच सेंट रेमिटेंस ऑफ रुपीज 1,20,000 बट द सेम हैज नॉट रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस। ब्रांच की बुक्स में है हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो हेड ऑफिस क्या लिखेगा? हेड ऑफिस लिखेगा कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, सो आई होप ये ट्रांजेक्शन्स, ये एंट्रीज आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।